Hello and welcome to Historify. Today I shall be talking about the doctrine of lapse of Lord Dalhousie. Vyapgat ka Siddhant. Vyapgat Siddhant ka arth tha, Angrezi company Bharat mein sarvoch shakti hai, isliye adheen riyasaton athwa rajyon ko uski swikriti ke bina kisi ko god lene ka adhikar nahi hai. तथा कंपनी को इस बात का पूर्ण अधिकार है कि वो जब चाहे इस प्रकार की स्वीकृति को लौटा सकती थी. अब भारतवर्ष में प्राचीन विधान के अनुसार गोद लेने की प्रथा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही थी. इसके अनुसार संतान एक व्यक्ति किसी निकट संबंधी के पुत्र को गोद लेता था जो बाद में दत्तक पुत्र बनकर उस व्यक्ति का उत्तराधिकारी बन जाता था. भारत में ये प्रथा राजघरानों में भी प्रचलित थी. अब डलहौजी ने यह सोचा कि गोद लेने की प्रथा का निषेध कर देने से आसानी से अनेक देशी राज्यों को कंपनी राज्य में मिलाया जा सकता है. और अगर हम ये कहें कि डलहौजी के सौभाग्य से उस समय भारत में अनेक नरेश निसंतान थे तो कुछ गलत ना होगा. लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के आधार पर कुछ राज्यों को कंपनी के राज्य में सम्मिलित कर लिया था. सो इफ वी टॉक अबाउट द सेम थिंग दैट इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन इंग्लिश, वी अंडरस्टैंड दैट लॉर्ड डलहौजी परपेचुएटेड दिस डॉक्ट्रिन इन इंडिया. एंड अकॉर्डिंग टू दिस, इफ द रूलर ऑफ एनी इंडियन किंगडम डाइड विदाउट अ लीगल हेयर, देन हिज अडॉप्टेड सन वॉज नॉट अलाउड टू असेंड द थ्रोन एंड दैट किंगडम वॉज अनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. And using this doctrine, Lord Dalhousie perpetuated the policy of imperialism of the British Empire and annexed many states in India, including Satara, Nagpur, Jhansi, Sambalpur and Jaipur. अब हम बात करेंगे सतारा राज्य की. 1848 में सतारा के राजा का देहांत हो गया. उनका कोई पुत्र ना था, किंतु मरने से पहले उन्होंने एक बालक को गोद लिया था. डलहौजी ने उसे इस आधार पर अवैधानिक घोषित कर दिया कि सतारा नरेश ने गोद लेने की अनुमति कंपनी से प्राप्त नहीं की थी और सतारा को कंपनी के राज्य में सम्मिलित कर लिया गया. लेकिन डलहौजी का ये कार्य अत्यंत ही घृणित था क्योंकि सतारा एक स्वतंत्र राज्य था. वस्तुतः डलहौजी का ये कार्य अवैधानिक और अनैतिक था. आर्नल्ड के अनुसार सतारा को अंग्रेजी राज में मिलाना एक ऐसा पुरस्कार था जिससे धन की प्राप्ति तो हुई किंतु वो कानून की दृष्टि से न्याय संगत नहीं था. अगला राज्य जिसके ऊपर डलहौजी की नज़र थी वो था नागपुर. 1853 में नागपुर के राजा रघुजी का देहांत हो गया. उनका ना तो कोई पुत्र था और ना ही उन्होंने किसी को गोद लिया था, किंतु मृत्यु से पहले उन्होंने डलहौजी के पास पुत्र गोद लेने की आज्ञा के लिए एक पत्र लिखा. अभी ये पत्र उत्तर मिला भी नहीं था कि राजा की मृत्यु हो जाती है. और अंग्रेजों को ये भली भांति पता था कि राजा की विधवा पत्नी को गोद लेने का अधिकार है और नागपुर की रानी ने वैधानिक रीति से यशवंत को गोद भी लिया, परंतु डलहौजी तो नागपुर को हड़पना चाहता था और ये राज्य कलकत्ता और बम्बई के मार्ग में पड़ने के लिए काफ़ी उपयोगी भी था. अतः डलहौजी ने यह कहकर नागपुर को कंपनी राज्य में सम्मिलित कर लिया कि कंपनी की पूर्व स्वीकृति के बगैर ही यशवंत राव को गोद लिया गया है. निसंदेह साम्राज्यवादी लॉर्ड डलहौजी की यह ज्यादती थी. आर्नल्ड ने इसकी भी आलोचना करते हुए लिखा है कि वो वास्तविक कानून जिसके द्वारा नागपुर को ब्रिटिश उपनिवेश में सम्मिलित किया गया था पुराना था, किंतु उस कारण से अधिक आदर के योग्य नहीं था, परंतु वो कानून सर्व शक्तिशालियों का ही था. अब 1853 में हम बात करते हैं झांसी. झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है. मृत्यु से पहले उन्होंने दामोदर राव नामक एक बालक को गोद भी लिया था और कंपनी सरकार ने इसकी स्वीकृति भी दे दी थी, परंतु 27 फरवरी 1854 को डलहौजी ने यह निर्णय दिया कि दत्तक पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं है और एक घोषणा द्वारा झांसी को कंपनी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया. यही कारण था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का जबरदस्त विरोध किया. डलहौजी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए अवध
को भी ब्रिटिश प्रशासन और ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। उसने अवध के प्रशासन पर कुप्रशासन का आरोप लगाया और इसी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा उसने अवध को ब्रिटिश प्रशासन में सम्मिलित करने का निर्णय भी लिया। डलहौजी ने 1849 में कर्नल स्लीमन को अवध का रेजिडेंट बनाकर भेजा और स्लीमन ने नवाब वाजिद अली शाह के विरुद्ध रिपोर्ट भेजते हुए ये बताया कि अवध का प्रशासन बहुत ही और नवाब वाजिद अली शाह को बलपूर्वक गद्दी खाली करने का आदेश दिया गया। अंग्रेज़ों ने लखनऊ के महलों को खूब लूटा, बेगमों के साथ घृणित व्यवहार किया गया और नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया। 13 जनवरी 1856 को एक घोषणा के द्वारा डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया। अवध को कंपनी राज्य में सम्मिलित किए जाने से देशी राजाओं में भय तथा निराशा की भावना उत्पन्न हो गई। ये बात स्पष्ट हो गई थी कि शांति सुरक्षा तथा व्यवस्था के नाम पर किसी भी देशी राज्य को कंपनी राज्य में मिलाया जा सकता था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म ऑफ लॉर्ड डलहौजी। थैंक यू।